आदाब नमस्कार गुड आफ्टरनून सत श्री अकाल। इसके आर्टनेट पेंटिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने आ चुके हैं। वेलकम मीना पड़ा सर, वेलकम नीरज मिश्रा, वेलकम कोमल, वेलकम सीमा सतीश सिंह। तो आज हम आपके सामने जो आर्ट ट्रिक लेकर आए हैं नेट के ऊपर, और उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं ये सारी बात हम आपको बताएंगे। वेलकम रंजना वर्मा, वेलकम तुलिका झा, वेलकम मनप्रीत, वेलकम शिवानी, वेलकम हरप्रीत, वेलकम कोमल पटवारी, वेलकम अनीता सहगल। वेलकम पूर्णिमा नटराज, वेलकम वेलकम शिवानी, वेलकम राजेश्वरी, वेलकम विनीता बलानी। एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दें। वेलकम तरुण राजेश्वरी के त्यागी, वेलकम नीना आर्ट्स, वेलकम सीमा, वेलकम हरप्रीत, वेलकम लक्ष्मी प्रिया। तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दें। तो आज हम आपको जो आर्ट ट्रिक बताने वाले हैं, आप देखेंगे कि मेरे पास एक जाली है, ये लोहे का जाली है, ओके। ये हर जगह आसानी से मिल जाता है। वेलकम मीनाक्षी नैयर, मीनाक्षी नैयर आप लास्ट तक बने रहेंगे, आपके लिए एक अच्छी बात है। मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग के मन में ये था कि मार्बल पाउडर की बड़ी समस्या हो रही थी, और उसका मैंने ऑप्शन ढूंढ लिया है, ओके। वेलकम नेहा गोस्वामी, नेहा सिद्धि, वेलकम अविता राव। तो हम इस पे आज नेट के ऊपर में इस पे क्या क्या आप आर्ट ट्रिक आप कर सकते हैं ये हम आपको आज बताने वाले हैं, ओके। तो ये हम बताने वाले हैं, तो उससे उसके लिए इसको लगाना भी जरूरी है ना। इसको आप लगाएंगे कहाँ पे, तो हमने ऑलरेडी आप लोग के लिए इस बोर्ड पे मैंने लगा रखा है, देखेंगे इस बोर्ड पे मैंने लगा रखा है, ओके। ये हमने बोर्ड के ऊपर में यही जाली मैंने लगा रखा है। अब आप देखेंगे कि ये व्हाइट है, ये नीला है, ये भी हम आपको बताएंगे कि ये व्हाइट और नीला है क्यों। वेलकम वेलकम फरहाना हुसैन, वेलकम नीना बेदी, नीना बेदी ओके, वेलकम गबी विजय, वेलकम वेलकम साधना। तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि औरों लोगों को भी हमारे आर्ट के बारे में जानकारी मिले और वो सीखे। और हमें बेहद ही खुशी होती है कि जब हमारे बताए हुए ट्रिक से लोग अपना आर्ट करके वो हमको दिखाते हैं, भेजते हैं, और बहुत अच्छा अच्छा लोग कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक बड़ी बात है कि लोग हमारे आर्ट ट्रिक को अपना रहे हैं, और यही हमारा मकसद है कि घर घर तक आर्ट पहुंचाना है, ओके। तो ये वही लकड़ी है, आपको एक बार हम बताते हैं, जो हम कैनवस में इस्तेमाल करते हैं, कैनवस के जो होता है फ्रेम, हम उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, ओके। मैंने क्या किया, इस जाली को ये बड़ा साइज था, ओके, बड़ा साइज था, इसी का कटा हुआ है, ये बचा हुआ है, हमने इसके अंदर में ये लगाया है। और ये लगाया मैंने किससे है, आप देख सकते हैं, ये मैंने स्टेपलर से किया है, स्टेपलर से आसानी से ये आ गया है, स्टेपलर से आप देखेंगे ये स्टेपलर ही है। ओके, ये स्टेपलर ही है, स्टेपलर से ही मैंने इसको मैंने पिनिंग किया है, ओके। वेलकम गीता सिंह, वेलकम कोमल, अभी हम इंस्टा पे भी लाइव आ चुके हैं, इंस्टा के जितने भी व्यूअर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है मेरे लाइव पे, ऐसे ही आप लोग आते रहिए, ओके। तो इसको मैंने ये करने के बाद अब आप देखेंगे कि ये लोहा है, ओके, ये लोहा का बना हुआ है, ये तार का बना हुआ है। अब ये तार का बना हुआ है, तो आप देखेंगे कि अगर इसके ऊपर में जैसे ही पानी का ऐसा कुछ मटेरियल जाता है, तो इसमें जंग लगने का चांसेस होता है, ओके। तो आप लोग से निवेदन करते हैं कि इसके ऊपर कोई वार्निश कर ले या एनिमल पेंट कर ले, उससे क्या है कि जो भी इस पर वर्क करेंगे वो मजबूती होगा। तो मैंने इसमें किया है क्या कि इस पर ब्लू कलर का मैंने पेंट, एनिमल पेंट मैंने किया है, इसलिए ये ब्लू दिख रहा है और ये व्हाइट दिख रहा है, ओके, ये व्हाइट है और ये ब्लू दिख रहा है, ये मैंने इसके ऊपर मैंने पेंट किया है कि ताकि इसमें जंग न लगे। अब इसे करना क्या है,
और ये जो ट्रिक बताने वाले हैं ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और हमको जहाँ तक लगता है कि आपके घर के जो जो खिड़की होते हैं उसमें ऐसे ही जाली इस्तेमाल होता है। अब कुछ हम जाली के बारे में भी बात करते हैं कि जाली आखिर है क्या। वेलकम अरूप, वेलकम ड्राइंग। ये देखिए लोहा का जाली है, इसमें अलग अलग टाइप का आता है, कोई पतला आता है, कोई मोटा आता है, कोई और मोटा आता है, ओके। और ये मोटा पतला का चक्कर क्या है कि ये इस्तेमाल के ऊपर है कि आप कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं उसके लिए ये चीज बनाया जाता है। तो ये ज्यादातर मच्छर को रोकने के लिए बनाया जाता है, मच्छर को रोकने के लिए। वेलकम महक, वेलकम निकासी निकासी निकाची गोगई, ओके। तो इससे जो बारीक वाला दाना होता है उससे हम लोग जो आटा चालते हैं उसमें उसका इस्तेमाल होता है, ये वही जाली है, ओके। और उससे जो बड़ा जो दाना वाला है ये है, और इससे बड़ा वाला भी दाना है आता है, ओके। तो इसके इस्तेमाल के लिए अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करते हैं, ओके। वेलकम रितु बधवा। तो अब हम इस पे जो हम जो ट्रिक बताने वाले हैं ये बहुत ही सुंदर है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ड्राइंग बनाएंगे आपके सामने, ओके। ये पहले हम एक ड्राइंग बनाते हैं कि इसके ऊपर हम बनाते हैं क्या। मुश्किल से 5 मिनट टाइम लगेगा हमको ड्राइंग बनाने में, तो आप लोग बने रहेंगे वो, क्योंकि ये काफी सुंदर बनने वाला है और जाने वाला है। और हमारा मकसद यही है कि आप लोग को अच्छा से अच्छा हम आर्ट आपको सिखाएं, और जो आर्ट आप सीखते हैं उससे डिफरेंट, उसी आर्ट में डिफरेंट, हमारा यही मकसद है, ओके। और मैं शुक्रवार को नहीं आ पाया उसके लिए माफी चाहते हैं, और आपको बताना चाहेंगे कि हमने अपना टाइम अब थोड़ा सा चेंज किया है। एक मिनट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कल बाइक से मैं गिर गया था, हमारा एक्सीडेंट हुआ था, फिर भी मैं आप लोग के लिए मैं आया हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे जख्म है ना, ये लगे हैं वो, लेकिन ये जख्म हमारा कुछ भी नहीं करेगा, मैं आते रहूँगा, ओके। तो इसके लिए हम ये सबसे पहले एक पेंसिल लेते हैं और इसको हम फटाफट ड्रॉ करते हैं। बस आप लोग जुड़े रहें, क्योंकि ये जो ट्रिक है ना आपके लिए, घर के अंदर में जितने भी जो जाली है आप लगाए हुए हैं आप उस पर करना चाहेंगे, इस पर हम करते हैं, ओके। बाइक से जा रहे थे तो अचानक जो एक लेडी थी वो थे, चार पहिया से थे, ओके, हम बाइक से थे, उन्होंने अचानक ब्रेक लगा दिया, डिस्क ब्रेक लगा दी, हम पीछे से थे, ब्रेक लेते लेते ठुक गया। और आगे से आपको बताना चाहेंगे कि हमारा टाइम थोड़ा सा चेंज है, अब मैं आऊंगा इतवार और शनिवार को आऊंगा, 2 दिन आऊंगा। उसकी वजह भी हम आपको बताते हैं आखिर क्यों, उसकी वजह यह है कि अब आपको आपको पता है कि लॉकडाउन बिल्कुल खुल चुका है ना, और हमारे अपने भी और भी वर्क हैं तो उसको भी करना है, तो इसलिए ये देखते हुए अब हम 2 दिन आएंगे, शनिवार और इतवार 2:30 बजे, टाइम यही रहेगा 2:30 बजे ही। ये हम जो आपको ट्रिक बता रहे हैं ना ये बहुत ही मजेदार है,
हमें पता था आप लोग हमारा इंतज़ार करते हैं, इसीलिए अभी भी मैं दवा खा के ही बैठा हूँ। ये लेकिन दिक्कत वाला बात नहीं है। ओके, देखेगा कि मैंने ये फटाफट मैंने ये ड्राइंग मैंने बना दिया है, बस हमको थोड़ा सा आपको ट्रिक बताना है ना। तो ये अब आप देखेंगे कि मैंने ये अब इसके ऊपर मुझे रखना है इसी से, एक मिनट थोड़ा सा ऊंचा हम कर देते हैं। अभी हम इंस्टा पे भी लाइव हैं। वेलकम यासु। ओके, अब आप लोग को दिखेगा अच्छा से। अब हम इसके ऊपर ये रख देते हैं, ठीक है। ये मैंने रख दिया, वो शायद आपको दिखे नहीं, नहीं दिखेगा। मैं हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ। यहीं पे रखता हूँ और थोड़ा सा मोबाइल को मैं नीचे कर लेता हूँ, है ना। थोड़ा सा इससे नीचे नहीं होगा, स्टैंड थोड़ा सा ये देखिए। अब इससे हुआ क्या कि हमें ड्राइंग दिख रहा है, मिल गया है ड्राइंग। इसके ऊपर करने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर पेंसिल या कुछ भी चलाने की जरूरत नहीं है। ये दिख रहा है, ये आप देखेंगे कि ये दिख रहा है, है ना, दिख रहा है ना। ओके, अब करना है क्या कि इस पे जो हम जो ट्रिक बताने वाले हैं, अक्सर आप देखते हैं कि रिलीफ पेंटिंग में लोग शीशा के ऊपर और प्लाई के ऊपर करते हैं, और मैं आज ये जाली के ऊपर करके आपको दिखाऊंगा। जाली के ऊपर इसको मैं करके आपको दिखाऊंगा। अब ये आप बोलेंगे कि अगर हम इसके अंदर में अगर हम फिल अगर करेंगे तो निकल जाएगा, तो उसका भी हम आपको तरीका बताएंगे, टोटल चीज हम आपको बताएंगे। यही हमारा वर्क है कि हम जो भी आपको बताए एकदम परफेक्ट वाला बताए, ये नहीं कि आधा बताया और आधा मैंने छोड़ दिया, नहीं, बिल्कुल हम सही बताएंगे। तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर आप लोग करेंगे, और हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब आप लोग कीजिएगा। तो हम सबसे पहले इसको करने के लिए मार्बल पाउडर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ही सुंदर बनने वाला है, आप लोग बस देखते रहें। तो आप लोगों को ये मेरा टाइम याद कर लें, शनिवार और रविवार, ये हमारा दो दिन लाइव आने का रहेगा। इसमें हम फेविकोल डाल रहे हैं। वेलकम अनूप, अनूप पेंटर। वेलकम आरती चौधरी। इस जाली के ऊपर करने के लिए कितना मोटा मटेरियल होगा ये भी हम आपको बताएंगे। मार्बल पाउडर कहाँ मिलेगा, डोंट वरी, आप लोग थोड़ा दिन इंतजार कीजिए। बिना मार्बल पाउडर के रिलीफ पेंटिंग वाला मैं मटेरियल मैं लेकर आ रहा हूँ। ओके, मिल चुका है, उसमें हम वर्क कर रहे हैं। लोगों की काफी परेशानी थी मार्बल पाउडर को लेकर, इसका ऑप्शन आना चाहिए, तो ऑप्शन मैंने फाइनली ढूंढ लिया है और उस पर हम बस वर्क कर रहे हैं। वेलकम रुचि गुप्ता, वेलकम नम्रता दिनेश थानवी। हो गया। अब आपको बताते हैं कि इसको रोकने के लिए अगर आप कोई फील अगर करते हैं तो इसको रोकने के लिए दो उपाय है,
ये पहला ये है कि आप नीचे में कोई चीज ऐसा हार्ड चीज रख दे, जब आप करेंगे तो वो मटेरियल नीचे ना जाए वो। लेकिन उससे बेटर हम आपको बताते हैं कि उससे बेटर होगा क्या, कटोरी। ये फेविकोल है, ओके। अभी हम आपको दिखाते हैं। सर व्हाइट सीमेंट लिए हैं क्या? नहीं संपी जी, मैंने व्हाइट सीमेंट नहीं लिया है, मार्बल पाउडर लिया है और ये फेविकोल है, ठीक है। सबका प्यारा फेविकोल। इसमें अगर आप ऊपर से भी चाहते हैं, ऊपर से जहां पे ड्राइंग है ना वहां पे हमने ये थोड़ा सा इसको लगाना है, ठीक है ना, ये उसी के अंदर में। चाहे आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, चाहे आप स्पंज से भी लगा सकते हैं। तो मैं आपके सामने मैं ब्रश से ही लगा रहा हूं, ये देखिए, ताकि आपको। अब इसमें होगा क्या कि ये जो ड्राइंग है इसमें ये चिपक जाएगा, और जब ये चिपकेगा तो निकलेगा नहीं। और इसमें इतना मजबूती से ये फिक्स होगा, इतना मजबूती से ये मटेरियल कि आप भी बोलेंगे कि आवाज जाली के ऊपर भी हो सकता है। तो हमारा यही उद्देश्य है। ये देखिए मैंने लगा दिया। ये इसमें मैंने लगा दिया, ओके। अब ये ड्राइंग पे ये चिपक गया है। वेलकम चंदना जी। चंदना जी आप इस वीडियो को थोड़ा सा स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। और इसको लगाने के लिए, जाली को लगाने के लिए एक बात को आपको ध्यान रखना है कि इसमें अनुभवी किस्म की आदमी की जरूरत है। जैसे आप कारपेंटर का हेल्प ले सकते हैं, वो अच्छा से जाली लगा सकता है, नहीं तो इसका जो टुकड़ा होता है लोहे का, ये है ना लोहे का, ये है, इससे आपका हाथ कट सकता है। ये काफी ये वाला शार्प होता है। तो अगर आप लोग अगर बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए कारपेंटर का हेल्प आप लोग लीजिए, उसके पास काटने का हथियार भी होता है और वो आसानी से वो फिक्स भी कर देगा। ये वाला हालांकि मैंने किया है, ओके। तो ये मैंने बनाया मटेरियल, ये देखिए, ये मटेरियल ये ज्यादा मोटा भी नहीं है और ज्यादा पतला भी नहीं, बीच वाला है, ये देखिए। ओके, अब इसको भरते हैं हम बड़े वाले कुंड में। फिलिंग वाला इससे पतला होगा, ठीक है। वेलकम रंजना वर्मा। और आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके पास प्लास्टिक वाला जाली है उससे भी हो जाएगा। श्री देवी जी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि जो जाली है ना विंडो वाला, वही वाला है, ये बिल्कुल वही वाला है।
अब हम इसको छोटे में ट्रांसफर करते हैं। वेलकम हितेश पंचाल, ये मैंने छोटा बनाया कोन, ठीक है। वेलकम रंजना मिस्ट्री, वेलकम संगीता सिंह। ये देखिए, अब इसमें हम ये आउटलाइन करेंगे। जो ड्राइंग आप करेंगे वो थोड़ा सा डार्क पेंट से होना चाहिए, मार्कर हुआ चाहे स्केच हुआ, उससे आप करेंगे तो ज़्यादा दिखेगा। हमें तो खैर इसमें कम दिख रहा है, लेकिन मैं कर दूंगा, है ना। ये देखिए, ये आसानी से हो रहा है, कोई इसमें दिक्कत वाला बात नहीं है। ये देखिए, ये आसानी से हो रहा है, लाइन बिल्कुल आसानी से हो रहा है। ये देखिए आ रहा है ना, एकदम आसानी से फटाफट आ रहा है। वेलकम रेनू पांडे, वेलकम सुभा चटर्जी, वेलकम देविका। हमारा यही मकसद है आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट आर्ट दिखाना, बताना और सिखाना, ताकि आप लोग उसको सीखिए। और सीखकर दूसरों को भी सिखाइए। इसलिए हम आप लोग को बोलते हैं कि जो वीडियो आप देखते हैं उस वीडियो को आगे पहुंचाइए, है ना। अभी आप देख रहे हैं कि काम कितना स्पीड हो रहा है ना। वेलकम दीप्ति गुप्ता, वेलकम सपना परवाल। अच्छा, एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अच्छा, ओके। ये मैंने बनाया है, कोन बनाया है, ठीक है ना, मार्बल पाउडर और फेविकोल को मिक्स करके ये मैंने बनाया है, ओके। और इसी से मैं जाली के ऊपर में मैंने अभी कोनिंग किया है और इसकी फिलिंग भी करूंगा, ओके। व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर नहीं हो सकता है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो एक हमारा यूट्यूब चैनल है, वो आजकल काफ़ी लोग उसको सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो आप भी कर लीजिए,
अब तक 2500 से ज़्यादा लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है ना, इतने कम टाइम में। तो आप लोग भी एक बार उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और आप लोग के इतने अच्छे से कमेंट आ रहे हैं, इतने अच्छे से कमेंट आ रहे हैं, आपको बता नहीं सकते हैं। इसी को देखते हुए हमें और अच्छा से अच्छा वर्क करने की हिम्मत मिल रही है। इस जाली के ऊपर इतना अच्छा से काम हो रहा है, आप देख सकते हैं इतना ये अच्छा से काम हो रहा है जाली के ऊपर। और हम आप लोग के लिए तो वैसे भी नए नए आइडिया लेकर आते रहते हैं, इसीलिए कि आप लोग सीखिए। ओके, तो आप देखेंगे कि मैंने ये फाइनली ड्राइंग मैंने कर दिया है ना। यूट्यूब चैनल एस के आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस के नाम से ही ये चैनल है। ओके, ये देखेंगे, ये भी थोड़ा सा ये गीला है बट कोई मुश्किल नहीं है, ये पक जाएगा। वेलकम रामा वर्मा, वेलकम अरविंद, अनुराग, जाली, व्हाट इज जाली, इज प्लास्टिक, आप दोनों यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक वाला भी और लोहे वाला भी। अगर प्लास्टिक वाला यूज करते हैं तो उसके ऊपर में कोई भी ऐसा चीज ऊपर से लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ओके, ये वाला अच्छा से वर्क करेगा, पकड़ेगा वो। ओके, अब इसमें हम फिल करते हैं, ठीक है। वेलकम नूर फातिमा, आउटलाइन मटेरियल, अभी तो मैंने आपको बना के दिखाया तो था ये मटेरियल के बारे में। वास कर सकते हैं, ये भी हम आपको बाद में बताएंगे कि ये बनने के बाद इसको फाइनल आप इसके ऊपर में किस चीज का कोटिंग करेंगे जो बेटर रहेगा। अब आप देखेंगे कि मैं इसको फिल करूंगा। ओके, ये इसी के अंदर में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा ये। अगर ये बाहर जाना भी चाहेगा ना तो पीछे से पेपर लगा हुआ है तो निकल नहीं सकता है। ओके, अब यहां पे बात आता है कि पीछे से तो पेपर लगा है तो वो तो चिपक जाएगा, तो चिपकने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है ना। बाकी को हम निकाल देंगे और जो चिपका रहेगा वो बेस, और ये इतना मजबूत रहेगा, इसको आप हथौड़ी भी मारिएगा तो नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जाली में एक पकड़ मजबूत बनाता है।
एक बार ये लेयर करने की आपको देरी है, उसके बाद ये आप लोग अगर रुके तो मैं कोन बनाना भी आपको मैं बता सकता हूँ। अगर आप लोग बोले कि कोन कैसे बनाते हैं तो ये भी हम आपको बता मैं सकता हूँ। वेलकम श्रीनिवासन। क्योंकि बहुत से लोगों को कोन बनाने नहीं आता है, इतने सारे टेप चिपका देते हैं जो दिक्कत हो जाता है। मात्र एक टेप चिपकाइए, एक ही टेप, और वो हम आपको बता सकते हैं अगर आप चाहे तो। वेलकम टिंकू बॉस। और आप लोग के बनाए हुए आर्ट मेरे पास आते हैं कि सर मैंने ये बनाया है, ये देखिए कैसा है, देख के दिल खुश हो जाता है। थोड़ा सा पीछे वाला ये चिपका नहीं है तो कोई बात नहीं, चिपका नहीं है तो ना चिपके हम तो इसको भरेंगे। अब दिक्कत होगा कि अच्छा मैं ऊपर से आपको कैमरा करके आपको दिखाऊंगा। मयंका जी वेलकम, वेलकम इरा राय, नमस्ते जी, आरती जी नमस्ते। जो इसमें जो फर्स्ट फीलिंग आप जो करेंगे ना, थोड़ा सा करना है, ओके, उसकी वजह हम आपको बताते हैं। उससे क्या होगा कि इसका जो होल है ना वो बंद हो जाएगा। संगीता जी क्या बोल रहे हैं, सर इस सर कोण को करना बताएं। ओके तो इसमें मटेरियल आपको थोड़ा सा भरना है, अगर ज्यादा भरेंगे ना तो बाहर आ जाएगा। हाँ, एक बार भरने के बाद जब इसका होल जब बंद हो जाएगा उसके बाद आपको जितना मोटा भरना है भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जाली कहाँ से मिलेगी, ये हार्डवेयर के दुकान में आसानी से हर जगह मिल जाता है, ठीक है, हर जगह ये मिल जाता है और रेट भी बिल्कुल सस्ता 20-25 रुपए पर स्क्वायर फुट बिकता है। ओके, ज्यादा महंगा नहीं आता। तो आप लोग बिल्कुल निराश ना हो, आप देखेंगे कि कितना अच्छा बन रहा है। वेलकम सरला शर्मा। हमारा एक ग्रुप है एसके आर्ट पॉइंट, उसमें आप अपने बनाए हुए आर्ट को शेयर कर सकते हैं। वो मैंने आप लोग के लिए ही बनाया है और बहुत से लोग उसमें अपना आर्ट को उसमें दिखाते हैं, शेयर करते हैं और काफी अच्छा अच्छा वर्क करते हैं। वेलकम चम्मा शर्मा। जाली का नाम क्या है, इसको जाली ही बोलते हैं, नेट बोलते हैं। हाँ, इसको भरने के लिए मैंने अभी आपको बताया ना कि यही मटेरियल को मैं भर रहा हूँ। ओके, वो लेकिन इसको मैं ज्यादा भी डाल नहीं रहा हूँ, अगर ज्यादा डालेंगे ना तो वो नीचे आ जाएगा। एक बार ये होल जब बंद हो जाएगा और वो एक ही बार करने के बाद होल बंद हो जाएगा, ओके, उसके बाद इसके ऊपर जितना लेयर आपको करना है इसके ऊपर आप कर सकते हैं। हर जगह रिलीफ पेंटिंग, रिलीफ पेंटिंग, रिलीफ पेंटिंग आपको देखने के लिए मिलता है ना, तो इसलिए हम भी सोचे कि कुछ रिलीफ में नया करते हैं और आपके सामने है। रितु खड़े जी बोल रहे हैं कि एक बार रिपीट कर दीजिए, तो रिपीट बार बार करने से होता क्या है कि जो लोग पहले से देख रहे हैं ना वो परेशान हो जाते हैं कि ये आदमी एक ही बात को बार बार क्यों बोलता है ना। तो रितु जी एक बार वीडियो को
स्टार्टिंग से आप देखेंगे तो आपको इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल जाएगी। ओके, और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर होगा। ये जाली दिखाइए, कहाँ है जाली? ये जाली है, इसी का टुकड़ा है, आप देखेंगे इसी का ये टुकड़ा है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9891338339, 9891338339, 9891338339। ये बिल्कुल आसान नंबर है। और अभी हमारे पोर्ट्रेट में बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया है, एक रिकॉर्ड है जो अब तक हमारे पास इससे ज़्यादा नहीं आए हैं स्टूडेंट, और लोग अच्छे अच्छे अपना पेंटिंग भी बना रहे हैं। आप लोग भी बोलेंगे कि हम ढक के रख रहे हैं। फिलिंग में मार्बल पाउडर और फेविकोल को मिक्स करके ही मैं बना रहा हूं। कितना मिलाना है ये है, देखिए इतना ये मोटा है, ये देखिए ये फिलिंग वाला है, बिल्कुल पतला नहीं है, ये देखिए। ओके, एक बार और, ये न मोटा है न पतला है, है ना? ये तो ये ऐसे आपको और हम तो आपके लिए हमेशा ही ये नया ही लेकर आते हैं। वेलकम संचिता राय, वेलकम अनीता, और आज हमारे म्यूजिक वाले जो टीचर हैं वो लाइव आज हमारे पेज पे आएंगे। जूम में काफी दिक्कत हो रहा था तो लाइव ही आएंगे हमारे पेज पे शाम को 6 बजे। आप लोग आइएगा जरूर। अभी हमारे साथ थोड़ी सी दिक्कत ये है, पता क्या है कि हमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं है कि लाइव कैसे लेते हैं, इनवाइट कैसे करते हैं, तो इसलिए आप लोग को जो व्यू है ना अच्छा नहीं मिल पा रहा है हमारे और भी जो टीचर हैं उनका। लेकिन इस पर हम अभी वर्क हम कर रहे हैं। जो हम मार्बल पाउडर के बदले में जो लेकर आ रहे हैं ना वो बहुत ही मजेदार बात है, ठीक है? उसके ऊपर हम वर्क हम कर रहे हैं। ये मार्बल पाउडर हमेशा के लिए फिर दूर हो जाएगा वो, और वो आसानी से उपलब्ध होने वाला चीज है। वेलकम अशोक खत्री, एक बार वीडियो को आप लोग शेयर तो जरूर करेंगे। वेलकम शिवानी गोयल, अगर मैं किन्हीं का रिप्लाई नहीं कर रहा हूं तो आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा, अगर मैं देखूंगा तो रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। तो आप लोग आगे के लिए दिन याद कर लें, शनिवार और रविवार को मैं लाइव आऊंगा,
ठीक 2:30 बजे अपने पेज पे, और नए नए आठ ट्रिक को लेकर, जो लोग रिपीटेड जो दिखाते हैं वो नहीं, आप लोग देख देख के बोर हो जाते हैं, एक ही तरह वहाँ भी चल रहा है वहाँ भी चल रहा है, बिल्कुल नया सा ला के आपको हम। ये देखिए ये जाली का जो है ना होल है लगभग में बंद हो चुका है। ओके मयंका सिंह हमारे नंबर लिख रही है, सर आपके उंगली में चोट कैसे लगी? गजेंद्र सिंह बोल रहे हैं चोट कैसे लगी, तो मैंने बताया है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया था, बाल बाल बचे हैं, आप लोग की दुआ थी। ओके अचानक एक लेडी ने ब्रेक लगा दी अपनी गाड़ी को, लगभग में 60 की स्पीड में होंगे, अब ब्रेक लेते लेते ठुक गया गाड़ी, तो हाथ अभी भी ठीक से वर्क अभी नहीं कर रहा है, ये फूला हुआ है ना। फिर भी मैं आपके लिए आया हूँ। सर जी जाली पे क्यों बनाया है? नीता जी बोल रहे हैं कि जाली पे क्यों बनाया है, तो जाली पे हम इसलिए बनाए कि आप लोग भी बनाइए अच्छा अच्छा आर्ट, और लोगों को दिखाइए कि जाली पे भी पेंटिंग बनाया जा सकता है। ओके अब एक ही चीज पे बार बार आप लोग बना के ये थोड़ा सा बोर हो जाते होंगे, है ना, इसलिए हम चाहते हैं आप लोग थोड़ा सा नया नया चीज आप बनाइए। अब इसमें कहीं लग रहा है क्या कि एकाध पत्ते की कमी है, तो वो हम पत्ते को एक बार और हम ओहो ज्यादा काट दिया मैंने मोटा, रानी अरोरा जी बोल रहे हैं कि थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दीजिए, बताइए मैं कितनी बार एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करते रहूँ, मैं लास्ट टाइम में एक्सप्लेन मैं करूँगा। ओके लास्ट टाइम में आप लोग के लिए फटाफट ड्राइंग बनाना पड़ता है। वो भी बिना सोचे समझे। चलिए लगभग में हो गया है। वेलकम किरण जी, मैं फिर से एक बार आप लोग के लिए एक्सप्लेन मैं करूंगा। ओके वेलकम गुरप्रीत कौर, ये कैमरा एडजस्ट करें। जब आप इसकी फीलिंग आप करेंगे ना,
तो एक दूसरे से वो जो नीचे वाला है ना बेस में वो चिपका हुआ होना चाहिए, नहीं तो होगा क्या कि वो फैल जाएगा फिर नीचे, ठीक है ना। ये लीजिए, ये हमारा फिल हो गया है। अब ये जैसे ही सूख जाएगा तो इसके ऊपर हम एक कोट और करके इसको फिल कर सकते हैं। वेलकम प्रीति पुरी, वेलकम नीलम सिंह। हाँ, अब पूछिए कि अब आप लोग बोल क्या रहे हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे इसको हटा नहीं सकता, पीछे वाला है ना वो हटा हम नहीं सकते हैं। वजह ये है कि पीछे से चिपका हुआ है ना। ओके, अब ये गीला है, वो करने पे है ना कि वो डाउन आ जाएगा। इस पे गोल्ड फॉइल भी लगा सकते हैं क्या? ये हमारे शोभा सक्सेना जी बोल रही हैं, तो आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी चीज पे गोल्ड फॉइल आप लगा सकते हैं। ओके, रुचि सिंह बोल रही है कि व्हाट्सएप नंबर बताएं, तो व्हाट्सएप नंबर आपको लिख लीजिए 9891338339। अनदर, एक मिनट, ये रिलीफ पेंटिंग है, ये है प्लाई बोर्ड के ऊपर बना हुआ। ओके, ये प्लाई बोर्ड है, इसके ऊपर मैंने यही चीज बनाया है, आप देखेंगे यही चीज है। ओके, बस इसमें फर्क ये हो गया है कि ये जाली है और ये प्लाई बोर्ड है ना। इसलिए मैंने इसके ऊपर मैंने बनाया है जाली के ऊपर भी, कि ये काम जाली के ऊपर अगर करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। इसलिए और हमारा यही मकसद है आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज देना, ट्रिक बताना। इसलिए हमारे पेज पे जाएंगे तो आपको ज्यादातर 8 ट्रिक के नाम से ही वीडियो आपको मिलेंगे, 8 ट्रिक के नाम से ही वीडियो आपको मिलेंगे। वजह यही है कि हम ट्रिक लेकर आते हैं, जो आप आर्ट करते हैं उसमें नया क्या चीज हम कर सकते हैं उस पे हम, है ना। वेलकम रेखा जी, वेलकम दिव्या सा, वेलकम गौरी दीश, वेलकम गुरप्रीत, वेलकम मनोरमा गुप्ता। सर कौन सी पेंटिंग बना रहे हैं? अभी तो हम बना ही रहे हैं, अब कंप्लीट होगा तो आप लोग देखेंगे। वेलकम वेलकम क्राफ्ट प्लेट, मनीष मनीषा नुतेनपुर। नाम इतने टफ होते हैं ना, एक लाइन में बड़े नाम पढ़ने में मुश्किल हो जाता है। वेलकम नीना नारायण, वेलकम सुनीता। ओके, तो अभी हम आपसे प्रॉमिस किए थे क्या कि कौन कैसे बनाए, यही ना, तो आपको हम क्लियर करते हैं। हमारे पास देखिए एक सिंपल सा कोन है, सिंपल सा, ये प्लास्टिक है, बिल्कुल सिंपल सा है। आप देखेंगे ये जो पैकिंग पन्नी होता है वो है ना, बिल्कुल ये है। तो इसके लिए हम सबसे पहले पंखा बंद करते हैं, नहीं तो उड़ने लगेगा। ओके, ये उड़ने लगेगा इसलिए हम पंखा बंद कर देते हैं। तो इसके लिए हम एक कंफ्यूजन आप लोग को हम दूर कर रहे हैं। जैसे बहुत से लोग हैं जो इसको यूज नहीं करते हैं, हम इसी को यूज करते हैं। इसका हम आपको आपको बताते हैं कि इसका फायदा क्या है, औरों का नुकसान क्या है। ओके, आप देखते होंगे कि एक सिल्वर शीट आता है, सिल्वर शीट वो काफी हार्ड होता है और वो महंगा भी मिलता है, तो वो कहीं कहीं पे ये लोग बेचते भी हैं कि नहीं ये चीज हम ही से ही आपको लेना पड़ेगा। और आप आज तक आपने हमें देखा होगा कि
कि मैंने ऑनलाइन में रिलीफ पेंटिंग मैंने जो भी मैंने किया है या करवाया है मैंने यही पन्ने का इस्तेमाल किया है, दूसरा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि इसका बेनिफिट क्या है और इससे बेटर क्या कर सकते हैं। ओके, तो इसमें फायदा एक है ये कि एक तो ये हर जगह आसानी से मिल जाता है, सस्ता रेट में मिलता है, हर जगह आसानी से और सस्ता रेट में। और मजबूती को देखा जाए तो आपको बोल रहा हूं कि अब तक हमारे लाइफ में जो मैं ऐसे कोनिंग कर रहा हूं, अगर मैंने इसको दबाया है तो ऐसा नहीं कि वो फट गया है। ओके, ऐसा अब तक नहीं हुआ है कि वो फट के निकल गया है, वो फटा नहीं है। तो हम इसी को यूज करते हैं। तो इसको कोन बनाने के तरीका हम आपको बताते हैं कि आप बहुत से लोग करते क्या है, अंदर बाहर टेप इतने चिपका देंगे कि ये कोन की ऐसी तैसी हो जाती है। ओके, हम एक टेप में ही चिपका के आपको दिखाएंगे, एक ही टेप में। बुद्धा की पेंटिंग दिखाइए। ओके, सुमिता जी बोल रही है कि इंग्लिश में एक्सप्लेन कीजिए, बताइए इंग्लिश में एक्सप्लेन हम कैसे करें, इंग्लिश हम हिंदी मीडियम के छात्र रहे हैं। लेकिन हिंदी में भी अच्छे नंबर आते थे। आज तक मैं अपने क्लास में LKG से लेके जहां तक पढ़ाई की है फर्स्ट ही आया हूं, सेकंड नहीं। ये देखिए, एक इधर से चौड़ा है, इधर से कम है, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी सीट अगर आप लेते हैं तो एक साइड 100% और एक साइड 75%, इतना ही का रेशो रहेगा, आप लोग याद कर ले। कुलदीप कौर जी बोल रहे हैं कि लेडीज पेंटिंग है, आप दिखा दो तो देख लीजिए। ये हुआ इसकी लेंथ हो गया, हाइट ज्यादा रहेगा, अगर 100% रहेगा तो इसकी विड्थ है 75% रहेगा, ये होगा। इसको करना क्या है कि बीच से पकड़ना है, बीच से, और इसको मोड़ना है और इसको पकड़े ही रहना है, ये देखिए, और इसको घुमाते जाना है, इसको घुमाते जाना है, ये ऐसे ऐसे ये। ओके, और इसको यहां पे हमने रोक दिया। ओके, अब ये रोकने के बाद अगर इसको पॉइंट को अगर और नुकीला करना है तो अंदर से पकड़ के इसको खींचेंगे। ओके, ये देखिए, ये और ये बन गया ये। अब देखेंगे कि मैं एक ही टेप चिपकाऊंगा नीचे से आधा इंच एक इंच छोड़ के। ये देखिए, ये मैंने ये बना दिया, ये परफेक्ट है। बहुत से लोग करते हैं क्या कि अंदर कोन चिपकाते हैं, इधर भी चिपकाते हैं, उससे कोई मायने नहीं रखता है। ओके, आप बोले तो मैं पानी डाल के आपको दिखाता हूं। इसमें पानी दीजिए, ये रहा, एक मिनट, उधर से पानी लाके दीजिए, ये आपके सामने ही रखते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे कि मैंने कोन चेंज कर दिया ना। निकल रहा है पानी, बताइए। ओके, जब ये लीक होगा तो पानी निकलेगा, है ना, तो इसमें से पानी बिल्कुल नहीं निकल रहा है। तो आप लोग कोई भी पन्नी के ऊपर मत जाइए कि ये चमकीला है, सिल्वर फॉइल है, ये वाला वो वाला, है ना, ये पन्नी परफेक्ट है। मैं यही काम इसी से वर्क मैं करता हूं, वजह भी आपको बताता हूं। ये पन्नी में जो मटेरियल आप डालेंगे
एक महीना भी बाद अगर आप इसका यूज करेंगे तो उसका अंदर वाला है ना जो कलर होता है वो छूटता नहीं है। और जो पन्नी में अगर जो है सिल्वर फॉइल हो गया, पैकिंग पन्नी हो गया, अगर उसमें अगर मटेरियल आप डालते हैं 4 दिन के बाद अगर उसको यूज करेंगे तो उसका भी जो रंग होता है वो पन्नी का वो निकल जाता है। आप लोग ट्राई कीजिएगा अगर आप हमारी बात झूठ लगे तो, है ना। अभी देखिए ये निकल नहीं रहा है। तो ये होता है ये बनाने का तरीका। बहुत से लोग करते क्या है इधर भी टेप, इधर भी, अंदर भी, बाहर भी, यानी सत्यानाश कर देते हैं कोण का, है ना। तो इसलिए आप ये जो नॉर्मल है पन्नी इधर साइड में देखेंगे कि एक टेप चिपका हुआ है, ये टेप चिपका हुआ है। इससे हम कोई अगर मटेरियल पैक करना है तो टेप निकाला और चिपका दिया, है ना, तो वो उसमें यूज होता है। तो आपको वही पन्नी इस्तेमाल करना है और कोई पन्नी नहीं है ना। वो दूध की पन्नी वाला आता है ना कि दूध लाए उसका पन्नी इस्तेमाल किया, वो भी नहीं। एक और आता है सिल्वर कलर का, उसका रोल आता है, इतना रोल आता है और वो 300-400 का आते हैं और लोग उसे 1000-1200 में बेच भी देते हैं, है ना। तो उसको भी यूज नहीं करना है, आपको यही यूज करना है। ये बिल्कुल सस्ता रेट में हर जगह मिल जाता है। और मेरे ख्याल से कैसे मिलता है, 170 रुपये ये केजी के भाव से मिलता है। इसका भी साइज होता है 12-18, 10-15, 14-20, ये साइज होता है इस पन्नी का। तो आपको जो साइज लेना है लीजिए और उसी को कोण बनाइए और यूज कीजिए। अब इसको हमने ऐसे ये हमने एक मिनट इसको हमने ऊपर वाला है ना ये एक मिनट ऊपर से ज्यादा ही कट गया, ये पन्नी ये कट गया ऊपर से। एक कोन और हम आपके लिए बना देते हैं। तो ये वाला कोन है ना, इसमें मटेरियल आपका अच्छा रहेगा और सर लाइट लाइट क्या कोन में पानी था, ओके इसमें लाइट आ रहा है, लाइट इसमें अगर लाइट आ रहा है तो आपको बताना चाहेंगे कि ये तो उसका है, ये इफेक्ट है जो अभी गीला है ना, इसलिए लाइट आ रहा है। एक बार और कोन बनाना आपको हम सिखा रहे हैं। रेशो 3/4, ठीक है, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये है कोन। बीच से पकड़ना है, इसको मोड़ना है, आ गया ये। अब इसको थोड़ा सा इसको खींच देना है, इससे इसका पॉइंट है ना अच्छा बन जाता है। ये देखिए ये बन गया। श्वेता जी बोल रही है कि इनको हमारा पोर्ट्रेट क्लास ज्वाइन करना है, तो हमारा एक नंबर है लिख लीजिए 9891338339, इस पर कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको जो भी डिटेल है आपको दिया जाएगा। अब इसी में हम ये मटेरियल अब डालेंगे। अगर नीचे से होल रहेगा ना तो वो निकल जाएगा, अगर अच्छा अगर वो बना नहीं है तो। इसलिए कोन का अच्छा बनना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये कोन आपको एक दिन में आसानी से नहीं बनेगा, इसके लिए अभ्यास करना जरूरी है। लगातार अगर 4-5 दिन अगर अभ्यास आप करेंगे तो आपके कोन आपका
बन जाएगा। और भी हम आपको बताते हैं कि कौन और लोग कैसे कैसे बनाते हैं जो रॉन्ग तरीका है, ठीक है। ये हमने इसमें रस्सी भी बांधने की जरूरत नहीं है, लोग करते क्या है रस्सी बांधते हैं, ठीक है, रस्सी बांधते हैं, रबड़ बनाते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यहां से ये हमने हटाया, ठीक है ना, और ये हमने ऐसे लिया, फोल्ड किया और ये हमने इसको ऐसे लगाया, ठीक है, और एक टेप लेके इसको बांध देना है। ये देखिए ये टेप लेके मैंने इसको बांध दिया, अब ये निकल नहीं सकता, ये देखिए बन गया ये, ठीक है। रस्सी बांधने की आपको जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल हम आसान आपको तरीका बता रहे हैं। बहुत से लोग बनाते कहां से हैं आपको बताते हैं, और उनको भी बोलते हैं कि आप लोग भी कौन बनाना सीख लीजिए ताकि इन फ्यूचर में ऐसी गलती आप लोग ना करें। एक कैंची बता रहे हैं, ये देखिए रेशो वही है। लोग करते क्या है कि यहां से पकड़ते हैं, यहां से ये है ना, ये यहां से पकड़ते हैं और यहां से भी बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, यहां से ये, तो इससे आपका कौन है ना लंबा बनेगा, ठीक है, लंबा बनेगा और वो पतला बनेगा। ये देखिए ये लंबा बन गया कौन, और ये ठीक नहीं है। ये लोग वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो मेहंदी बनाते हैं ना, वो लोग का ऑलरेडी बना हुआ आता है, ओके, तो उनके पास ये वाला होता है, और उसको आप ऐसे ऐसे पकड़ के रिलीफ में नहीं आप कर सकते हैं। इसके भी पकड़ने का टेक्निक है जो हम अपने क्लास में लोगों को बताते हैं कि अगर कोई रिलीफ पेंटिंग कर रहे हैं तो कोन को पकड़ने का बेहतर तरीका क्या है, ठीक है। तो यहां से आपको 20 से पकड़ना है। वेलकम खुशबू अग्रवाल, ये देखिए यहां से आपको करना है। सर कोन में हवा भर जाती है। चम्मा शर्मा जी बोल रहे हैं कि मार्बल पाउडर कहां मिलता है। ये देखिए ये आराम से ये बन गया कोन, ये तो ये है तरीका बनाने का कोन, उसको तिरछा में मत बनाइए। वो अब यहां से ना कि हमने ये पकड़ा कौन यहां से ना, और यहां से हमने बनाना शुरू किया, तो आपको याद होगा कि गांव में हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो जो दलमोट बेचता था चने वाला, वो ऐसे ही लंबा बनाता था। वो इसलिए लंबा बनाता था कि उसके अंदर में मटेरियल कम आए, है ना, और बड़ा भी दिखे। ऐसे हमसे बन नहीं रहा है, यहां से हमको ये बन नहीं रहा है, क्योंकि इस टेक्निक में मैंने बनाया नहीं है, क्योंकि ये टेक्निक बिल्कुल ठीक नहीं है, और हम वही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जो बेटर हो, और वो बार बार करने से ऐसा होता है। एक बार ऐसा नहीं कि मैंने अभी बनाया और उससे मैंने किया और वो परफेक्ट है, नहीं, हम उसमें आसान तरीका हम ढूंढते हैं, ओके तो एक बार और हम बनाते हैं। ये बीच से आप देखेंगे कि मैंने बीच से पकड़ा है, नंदनी सलेश पांड्या, और आप लोग किसी भी और प्रकार के पन्नी पे मत जाइए, ये जो प्लास्टिक है सबसे परफेक्ट है, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये वाला बिल्कुल परफेक्ट है, इसी को आप लोग इस्तेमाल कीजिए। और अब तक आपने हमें जितने भी लाइव में देखे होंगे, मैंने रंग बिरंग हरा पीला पन्नी इस्तेमाल नहीं किया है। अगर मैं चाहता तो आपको बोल के कंफ्यूज मैं कर सकता था, है ना, ये हरा वाला इस्तेमाल कीजिए, ये जो सिल्वर वाला है वो इस्तेमाल कीजिए, ये 100 मीटर का एक रोल आता है ना, ये अच्छा रहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप इससे बेटर और कोई है ही नहीं है,
वो क्योंकि ये टाइट रहता है, ये इसमें है वो कड़कपन है, इसमें कड़कपन है, तो कड़कपन होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि कुरकुरे का पन्नी लेकर आए हैं उसे करें, उससे तो होगा नहीं, अच्छा नहीं होगा। ओके, तो आप लोग के मन में कोई डाउट हो तो आप एक बार और हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए बाहर आया है, कहीं भी बाहर इसमें कहीं भी आया है, नहीं आया ना। तो अभी हम करेंगे क्या कि इसको थोड़ा सा हम नहीं, इसको सूखने के बाद ही ये निकालेंगे। जब अच्छी तरह से सूख जाएगा तो हम इसको जो पेपर है ना उसको हम निकाल देंगे। और जब निकालेंगे तो जो पीछे से चिपक गया है पेपर के अंदर में तो वो तो चिपका रहेगा, चिपकना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके ऊपर में हम जो भी अपना वर्क करेंगे अब वो परफेक्ट होगा। और इसमें इसका बैकग्राउंड भी पेंट आप कर सकते हैं। अगर बैकग्राउंड पेंट नहीं कर सकते हैं तो जाली में बैकग्राउंड में और भी आप कुछ भी आप इसमें इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बाकी जब जाली में बना रहे हैं तो उसको जाली रहने दीजिए, उसके बैकग्राउंड में कुछ भी मत कीजिए, वो क्योंकि हवा आने जाने के लिए चाहिए। तो आप लोग भी अपने जो विंडो है उसमें ये चीज़ करने के लिए आप सोच सकते हैं कि इसमें हम आर्ट हम कर सकते हैं। और इसमें इस टाइप का आर्ट आसानी से हो जाता है और काफ़ी मजबूत होता है। वेलकम इन इंसा अरोरा, वेलकम कल्पना अग्रवाल, वेलकम ऋचा श्रीवास्तव, वेलकम नीता हरिया। सर जाली के पीछे लाइट इफेक्ट दीजिए, लाइट इफेक्ट दे, अच्छा वो भी हम आपको बताएंगे। वेलकम जहूर, वेलकम अनु चौधरी, नूर जहूर खान, सॉरी मैं आपका नाम पूरा नहीं लिया। मेस लेके वुड फ्रेम बनाया है क्या? ये वुड फ्रेम मैंने ये बनवाया है, ये कैनवास वाला जो ये फ्रेम है ना, इसके अंदर पे लगा हुआ है, इसको ये स्ट्रेचर बोलते हैं, है ना। इसको फिर मैंने इसमें से कपड़ा हटाया और मैंने ये लगा दिया, क्योंकि इमिडिएटली में हमें ये चीज दिखाना था तब लेकर आए कहाँ से, कारपेंटर को ढूंढे कहाँ से, तो हमने खुद ही इसको मैंने काट छाट के मैंने बना दिया। और उसी जाली का कटिंग ये है, आप देखेंगे, है ना ये। लेकिन जाली के ऊपर काम करने के लिए जाली को पेंट करना जरूरी है, चाहे आप उसके ऊपर वार्निश कर लीजिए, चाहे उसके ऊपर एनेमल पेंट कर लीजिए। एनेमल पेंट याद रहे, एनेमल पेंट किसी भी प्रकार का चलेगा। तो ज्यादातर जो जाली घर के खिड़की होते हैं ना उसमें लगे होते हैं, उसमें ऑलरेडी पेंट किया हुआ होता है, पेंटर लोग करके जाते हैं। वेलकम विनीता रंजन, वेलकम कल्पना, वेलकम राजेश्वरी। अब आपके मन में जो भी डाउट है इस आर्ट से रिलेटिव तो हमसे पूछिए। ओके सर, कौन में क्या बोल रहे हैं, हवा भर जाने से कौन बर्बाद नहीं चलता, नहीं होता है क्या कि जब कौन में मटेरियल आप भरते हैं अगर दो तीन दिन अगर आप इस्तेमाल नहीं करते उसमें बबल बनने लगते हैं, बस यही फर्क है। और जब बबल बनते हैं जब आप डालेंगे ना तो बबल वो जैसे ही आता है तो माचिस की तिल्ली हो गया, चाहे टूथपिक हो गया, चाहे पेंसिल हो गया, उससे बबल को ऐसे ऐसे आप फोड़ेंगे और फूट जाता है। अब बाकी आपको हम आपको बोलेंगे कि ये कोन आप बनाते हैं तो उसको अभी बनाइए, उसको यूज कर लीजिए। अगर वो ज्यादा दिन तक रखते हैं तो वो उसकी मिक्सिंग है ना एक साइड होने लगता है, वो फेविकोल अदर अलग हो सकता है और वो पाउडर अलग हो सकता है, तो उसको फिर से निकाल के गिलास में मिक्स कीजिए। वेलकम लीला पटवाल, क्या पहले आउटलाइन किया है? जी रेखा जी, हमने पहले इसमें आउटलाइन ही किया है, आपके सामने किया है। आप लोग इस वीडियो को अभी आए हैं नए हैं तो स्टार्टिंग से आप लोग देखेंगे। वेलकम आर्यन, वेलकम परी। ये क्ले कौन सा है? मैं क्ले के ऊपर भी आर्ट में लेकर आऊंगा आप लोग के लिए, वो क्योंकि क्ले के लिए भी बार बार हमारे पास इंक्वायरी आती रहती है कि सर क्ले का क्या है, कि इसमें दो चम्मच ये डालना पड़ता है, ये सब तो ऐसा नहीं है। ज्यादातर जो है क्ले है ना ऑनलाइन में लोग बताते हैं, आपको बताना चाहेंगे मार्बल पाउडर और फेविकोल ही होता है। अब हम भी चाहें तो
चार जगह एक हमने कटोरी रख लिया है ना, चार जगह हमने कटोरी रख लिया और चारों में मैंने मार्बल पाउडर ही रख दिया। ओके, और उसमें से दो चम्मच निकाल रहे हैं, ये देखिए ये पाउडर, इसमें से दो चम्मच और है वही चीज। तो हम आपको कंफ्यूजन वाला बात बिल्कुल नहीं करते हैं, आपको पता है जो सच है वही बोलते हैं। इतनी आप लोग जल्दी में मैसेज कर रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो आप लोग छोटा छोटा कमेंट करेंगे तो मैं आपका मैं देख सकता हूं। तो हमारा टाइम भी लगभग में ज्यादा हो रहा है, तो हम आपसे और हल्दी भी, हाँ हल्दी, हल्दी भी डाल देते हैं कोई, रंग तो डालते ही डालते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो ये कंफ्यूज करने की एक अदा है, ठीक है। और यही अदा से लोग अपना पैसे कमाते हैं झूठ बोल के। सर बुद्धा पेंटिंग कब सिखाएंगे? बुद्धा पेंटिंग तो ऑलरेडी लोगों को हम सिखा रहे हैं, उसकी क्लासेज है ना। और मार्बल पाउडर के ऑप्शन में जल्दी ही मैं लेकर आ रहा हूं कि मार्बल पाउडर नहीं है तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका हमने खोज हमने तोड़ निकाल लिया है एकदम परफेक्ट वाला मजेदार वाला वो। लेकिन उसके लिए भी आपको आर्ट देखना पड़ेगा ना कि ये वाकई में अच्छा आर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है ना, तो उसके लिए हमें वो आर्ट करके दिखाना होगा, तो हम दिखाएंगे। वेलकम रितु चौहान। लाइव वीडियो का टाइम हमारा है 2:30 बजे शनिवार और रविवार, हमने टाइम चेंज कर लिया है। ओके, जो हम पहले इतवार बुधवार और शुक्रवार को आते थे अब ऐसा नहीं है, अब हम आएंगे शनिवार और रविवार। वजह आपको बताते हैं कि ये अब लॉकडाउन हर जगह हट गया है, लोग अपना काम करने लगे हैं, तो हमें भी अपने काम है ना, तो उनको भी काम करके देना है, तो टाइम ये थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, इसलिए 3 दिन के बदले 2 दिन वो, लेकिन आएंगे जरूर। ओके सर, रंगोली भी मार्बल पाउडर ही है, कुछ ऐसा ही है। ओके, गायत्री जग्गी बोल रही है कि मार्बल पाउडर कहाँ मिलता है, मार्बल टाइल जहां बिकता है आप वहां पे आप कोशिश करेंगे ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, मार्बल टाइल की दुकान होता है वहां पे, अगर वहां नहीं तो आप हार्डवेयर के शॉप में भी पता कर सकते हैं, सीमेंट जहां बिकता है वहां भी पता कर सकते हैं, यही 3-4 जगह मिलने के आसार हैं। वेलकम सुनीता जी, वेलकम वेलकम श्रेया कुमारी, वेलकम जगदीश भवई, वेलकम कौशिक सरकार। तो आप नेक्स्ट अब शनिवार को मिलते हैं। ओके, और इसको कंप्लीट करते हैं, इसको कलर करके, और हो सकता है हम शनिवार को कुछ और एक्स्ट्रा आर्ट हम आर्ट ट्रिक लेकर आए, है ना। सर गोल्ड फॉल चाहिए, वो नेट पे बहुत सारे गोल्ड फॉल आपको मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। आपके मन में कुछ अगर इस आर्ट से रिलेटिव डाउट हो तो हमसे पूछिए, मैंने आपको बताया कि जो कोन बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि वो कुरकुरे का शीट हो, सिल्वर फॉइल हो, चाहे अल्युमिनियम फॉइल हो, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल जो पेपर आते हैं पैकिंग वाला, ये देखिए टेप चिपका हुआ है। ओके, यही से आपको बनाना है, बस बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है और इसमें कुछ भी नहीं है। उषा राज जी वेलकम, वेलकम मनोरमा गुप्ता। पॉटर के पश्मिन जा है, पता नहीं आपका नहीं समझ पाया मैं मैसेज। वेलकम रानी अरोरा, वेलकम मंजू राहिर। सर थैंक यू रिप्लाई किया, जो हमको कमेंट दिख जाते हैं हम उसका रिप्लाई करते हैं, ऐसा बात नहीं है, हम आप लोग के जानकारी देने के लिए ही बैठे हैं, और अच्छी वाली जानकारी, वो वाला नहीं, झूठ वाला नहीं। ये पूनम जी बोल रहे हैं कि रिप्लाई कीजिए, ऐसे तो फिर हम रिप्लाई करते रह जाएंगे, तो आप लोग एक बार वीडियो को फिर से आप देखेंगे तो आपको इसका जो भी तरीका है मैंने बनाया है वो आप देख सकते हैं, है ना, जाली के ऊपर रिलीफ पेंटिंग, है ना, तो ये भी है ना एक यूनिक चीज। तो हमारा यही काम है, जो आप आर्ट करते हैं उसमें यूनिक ढूंढ के लाना है और वो करके दिखाना है।
उषा राज जी, हम अपना क्लास भी लेते हैं, अगर जानकारी चाहिए तो हमारा एक नंबर है, वो बड़ी प्यारा सा नंबर है 9891338339, उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको हमारे आर्ट के जितने भी जो क्लासेज है उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। और अगले महीने में भी तो बड़ी अच्छे अच्छे आर्ट लेकर आ रहे हैं आप लोग को सिखाने के लिए। ओके, तो आज के लिए यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगले शनिवार को 2:30 बजे। जय हिंद, जय भारत।